तलाक के बाद भी पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है, अपने पति के घर में रह सकती है। राइट टू रेजिडेंस इसमें क्या कहता है, क्या केस कहता है और किस तरह से एक औरत को, एक पत्नी को तलाक के बाद भी उसके घर में रहने का अधिकार मिला, जानते हैं इस केस के बारे में। कहीं आप भी तो ये सोच नहीं रहे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस केस में 2009 में शादी होती है, पति पत्नी बन जाते हैं और दूसरे 2011 में एक बेटी होती है, लेकिन परेशानी के कारण 2017 में पति जो है डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। 2023 में जो है पति केस जीत भी जाता है, उसको तलाक मिल जाता है और पत्नी जो है इसमें अपील फाइल कर देती है। इसी के दौरान वो डीवी का केस भी फाइल कर देती है। डीवी के केस में इसको सास ससुर पति सभी का नाम लिखवा देती है। डीवी के केस में दो तरह के रिलीफ मांगे जाते हैं कि एक तो ससुराल वाले मुझे परेशान ना करें किसी भी तरह से, और मुझे जो है रेजिडेंशियल राइट मिलना चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट उसकी एक बात मान लेती है कि भाई इनके साथ कोई भी घरेलू हिंसा ना की जाए, हिंसा ना की जाए, लेकिन दूसरी बात इसलिए नहीं मानती क्योंकि ऑलरेडी उनका डिवोर्स हो चुका था, तो उनको जो पत्नी है उसको घर में रहने की अनुमति नहीं देती है। पत्नी हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट सारे बातों के फैक्ट को देखता है, पूरी तरह से फैक्ट को जांच करता है और यह कहता है कि जब पत्नी ने डीवी का केस फाइल किया उस समय उनका डाइवोर्स हो चुका था, तो ऑलरेडी अगर उसका डाइवोर्स हो चुका है तो वो पति के घर में रेजिडेंस का क्लेम नहीं कर सकती है। लेकिन इस केस में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब तलाक हुआ तब भी और जब डीवी का केस फाइल हुआ तब भी जो पत्नी है वो पति के घर में ही रह रही थी। यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि डीवी एक्ट सेक्शन 17 क्लोज 2 में क्लियर किया गया है कि ऑलरेडी अगर पत्नी शेयर हाउस होल्डर में रह रही है, तो होल्ड में रह रही है, तो अगर वो शेयर हाउस होल्ड में रह रही है तो उसे नहीं निकाला जा सकता। तो सवाल उठता है कि लीगल प्रोसेस करना होगा, तो क्या है वो लीगल प्रोसेस? यहाँ पे लीगल प्रोसेस है कि पत्नी के खिलाफ सूट फॉर एविक्शन का केस फाइल किया जाए। अब यहाँ पे सारे केस में एक चीज क्लियर हो चुकी है आपको कि अगर पत्नी का तलाक भी हो गया है और उस दौरान वो अपने पति के घर में रह रही थी या ससुराल में रह रही थी, तो उसको बिना लीगल प्रोसेस के घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी पत्नियों को ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और पति को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कब और किस तरह से पत्नी को निकाला जा सकता है। तो पूरी जानकारी आपको मिल गई है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जय हिंद।